सब खसी बकरे अपने, ये देखो ये सब खसी भाई एकदम मल्लाम, ये की गाय बोलते हैं ना ये वैसे बकरे, तुम कुछ भी करो इसको ये जरा भी हैरान नहीं। तो तुम लोग इधर आ जाओ, इधर तुमको दिखा था मैं, ये एकदम बोकुड़ काले, एकदम काले घाट बोकुड़। हाँ चल तू इधर आ, देखो मैं एकदम एक नंबर बकरा दिखा था, आ जा आ जा मेरे साथ में आ जा। ये दीवाने लोग की हुक्का पार्टी चली है, देख ये लोग जो है ना ये लोग खाली गप्पे मारते हैं यहाँ पे, हुक्का पीते बोरिंग का पानी लेके इधर। अरे अब्दुल भाई क्या बताओ यार, ये बकरी तो यार एकदम अल्लाहपुर निकल रही रे बाबा, मैं को तो अभी क्या दबा दबा के करता रे बाबा तू, अभी कुछ नहीं निकलता उसमें से, बकरी मर गई उसको छोड़ दे। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू चैनल, जिसका नाम है अर्श की मसू। गाइस कैसे आप सब लोग? गाइस आज तो मेरा नाचने का दिल कर रहा है यार। अरे जिमी ऐसी क्या बात हो गई कि तेरा नाचने का दिल कर रहा है? अरे कफूल चाचा आपको क्या बताऊं यार, बकरा ईद आने वाली है और मेरे डैड ने मुझे प्रॉमिस किया था कि आज वो मुझे बकरा दिलाएंगे, तो इसलिए मेरा नाचने का मन कर रहा है, तो मैं थोड़ा नाच ही लेता हूँ यार। तो कफूल चाचा मुझे बताओ कैसा लग रहा है मेरा डांस? बता बता जल्दी बता गफ्फू चाचा। यार ये नाच तो रहा है पर गंदगी साफ तो मुझे ही करनी पड़ेगी यार, समझ में नहीं आता, अभी बकरियों की लेंटी भी उठानी पड़ेगी मुझे। अरे गफ्फू चाचा कर लो सब आपका काम है। हाँ हाँ बेटा सब सब आपका ही काम है, पैसे तो तुमसे निकलते नहीं है, चलो कोई बात नहीं नेकी कमा लेंगे। चल चल बेटा अभी टाइम पास मत कर, फटफट जा और चारा लेके आ जा, पता नहीं तेरे डैड का मूड कब खराब हो जाए। हाँ हाँ गफूर चाचा बस मैं यू गया और यू चारा लेके आया, तो चलो गाइस फटाफट चलते हैं यार चारा लेके आते हैं। तो चारा के लिए मैंने स्पेशल ट्रक मंगवा ली थी अपने दोस्त से, यार हमारे पास गाड़ियों की थोड़ी कमी हो गई है और आपको भी पता है कि डैड का बिजनेस इतना कुछ खास चल नहीं रहा है, तो फटाफट चलते हैं यार। और यार लॉस एंजेलिस में चारे की दुकानें तो काफ़ी जगह लग चुकी हैं, मतलब यार आप लोग जानते हो बकरा ईद के टाइम पे आप लोग के भी घर के पास आस पास में कहीं पे पत्ते कहीं पे चारा ये सब मिलता ही है, तो यार वहाँ से जाके मैं भी थोड़ा बहुत कुछ ले लेता हूँ। थोड़ा ही आगे नुक्कड़ पे कुछ लोगों ने चारे की दुकान लगाई है, तो फटाफट मैं वहाँ पे चलता हूँ और आप लोग से मैं वहीं पे मिलता हूँ। A few moments later. So, लो गाइस हम लोग पहुँच गए हैं मेट्रो स्टेशन के पास और यहीं पे जो है घास की ट्रेन, मतलब जो घास वगैरह है वो मिल रही है आजकल, तो हर मेट्रो स्टेशन पे लगाया है लोग ने। तो यार गाड़ी पार्किंग की यहाँ पे बहुत मसला है यार, मैं यहाँ पे आगे लगा देता हूँ। और जिग्नेश भाई क्या हाल है, बढ़िया हो? अरे आओ जीमी बेटा आ जाओ आ जाओ आ जाओ यहाँ पे आ जाओ यहाँ पे आ जाओ, मैं बता दो आपको एक से एक बढ़िया बढ़िया घास आई है अपने पास में, घास आई है चारा आया है सब कुछ आया, आप क्या लोगे ये मुझे बताओ। अरे जिग्नेश भाई मेरे को तो यार चारा ही चाहिए, बकरे तो मैंने अभी तक लेके नहीं आया हूँ। तो चारा तो यार जस्ट अभी देखो यार ये माल जो है ये जस्ट अभी अभी आया है, तो मैं तो बोलूंगा यार जिमी भाई आप ये ही लेके जाओ ये बेस्ट होगा आपके लिए। जैसा जिग्नेश भाई आप बोलो यार, आप जैसा बोलो वैसा। अरे जिमी भाई तुम तो यार पुराने कस्टमर हो, मैं तुमसे थोड़ी यार ये सब करूंगा, आप एक काम करो आप मेरे हिसाब से तो कितने बकरे ला रहे हो आप? अरे जिग्नेश भाई मेरे को तो इसका आइडिया नहीं है, डैडी शायद एक जोड़ी ले ले, दो बकरे तो आने ही आने हैं। हाँ दो बकरे के हिसाब से तो मेरे हिसाब से एक एक बंडल आपके लिए बस हो जाएगा, तो मैं एक बंडल आपकी गाड़ी में लोड करा देता हूँ, बाकी सब घर पे खैरियत है? हाँ जिग्नेश भाई बस आपकी दुआ है। अरे यार मैं तो यार लोगों से 1500 रुपए लेता हूँ, आप 1200 ही दे दो। चलो ठीक है लोड करा दो। ठीक है मैं आदमी को बोलता हूँ उसको लोड कराने के लिए, जब तक आप आपकी गाड़ी का ट्रेलर का ढक्कन तो खोल दो और गाड़ी को पीछे लेके पार्क कर दो। ठीक है जिग्नेश भाई मैं गाड़ी को पीछे लेके पार्क करता हूँ, गाड़ी को मैं पीछे लगा दूँ। बस क्या जिग्नेश भाई देखो बस हो, सही है क्या? हाँ हाँ जिमी बेटा बस बराबर है, लगा दो बस जिमी बेटा गाड़ी तो एकदम बराबर लगाइए, बस पीछे का ढक्कन खोल दो तो मैं फटाफट मेरे आदमी को बुला के उसको चढ़ा देता हूँ। एक मिनट जिग्नेश भाई बस ये ढक्कन मैं खोल देता हूँ अभी, चलो फटाफट गाड़ी पे चढ़ा दो लोड करा दो आप। सो ले जिमी बेटा मैंने माल तो चढ़ा लिया हूँ, थोड़ा संभाल के जाना बस घास गिर ना पाए, और देख मैं एकदम फ्रेश माल दिया हूँ तेरे को, डैडी को बोल देना। जी अंकल मैं डैडी को बोल दूंगा, टेंशन मत लो, चलिए अंकल निकलता हूँ मैं। ओके जिमी बेटा आते रहना और बकरे लेंगे उसका मुझे फोटो दिखाना। चलो फटाफट चलते घर के पास और घर पे माल छोड़ देते हैं, फिर डैडी आएंगे तो डैडी के साथ में यही गाड़ी लेके अपन निकलेंगे और जाके बकरे लेके आएंगे। तो बस अपन घर के पास पहुँच ही गए, एकदम घर के पास ही है, मैंने पहले बोल दिया था उसको कि भाई तू माल पहुँचा दे, बट वो बोला नहीं यार भाई धंधा अच्छा खासा चल रहा है तो मैं अभी आ नहीं सकता, तो
बस इसको मैं घर पे ड्रॉप कर देता हूँ। क्या बोलते गफ्फर भाई, देखा मैडम घास लेके आ गया हो। एक नंबर बेटा, एक नंबर, अंदर लगा दे उसको, चल चल। यार मैं सोच रहा हूँ बकरों को जो मैं पालूंगा ना, उनको मैं यहाँ पे कुछ बना दूंगा यहाँ पे। यार फटाफट मैं घास को अनलोड करता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ डैडी के आने से। चलो गाइस, मैंने फाइनली घास को यहाँ पे लगा दिया हूँ। अब डैडी कोई भी टाइम पे आते ही होंगे। बस जैसे डैडी आए तो घास देखेंगे तो समझ जाएंगे भाई कि आपके भाई को अभी बकरा चाहिए। A few moments later. यार फाइनली अपने घर पे आ गया यार, बहुत थक गया हूँ मैं आज। मेरे को जिमी का फ़ोन भी आया था बकरा ईद आने वाली गाइज, आप लोग को भी पता है। सो आप लोग ने बकरा ईद के लिए क्या तैयारी की है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ। और अपन पहुँच तो, और तेरी जात का बैदा मारो, जिमी तो यहीं पे खड़ा है यार। जिमी, जिमी सुना तूने? ओवर एक्टिंग कर रहा साले, कब से खड़े रह के क्या कर रहा तू यहाँ पे? हाँ क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अरे डैडी आपने तो बोला था मुझे बकरे लेने जाने। अरे हाँ बकरे लेने जाने हैं बेटा, मैंने बोला था तुझे, बट यार घर पे तो आने दे, खाना तो खाने दे मुझे। अरे डैडी आपको पता नहीं है मंडी बहुत टाइट है, बकरे खत्म होते जा रहे हैं, आप समझो मेरी बात को। आप एक काम करो फटाफट गाड़ी निकालो, अपन जाके पहले बकरे लेके आते। अरे जिमी यार क्या बोलूं मैं तेको, सीरियसली जिमी यार, और ये इतना घास क्यों लेके आया? अरे डैडी मैंने बताया ना आपको मंडी बहुत टाइट है, घास का भाव भी चढ़ने वाला है। वो तो अपने पहचान के अंकल थे, उससे मैंने ले लिया 1200 रुपए के। अरे 1200 रुपए की तो कोई इतनी सारी घास मिल गई, क्या बात है यार। एक काम कर, इसको अंदर गैरेज में रखवा दे, गफूर को बोल दे ये गैरेज में रखवा देंगे इसको। और चल एक काम करते अपन फटाफट चलते यार, बकरा देख के ही आ जाते। पहले मैं गफूर को बोल देता हूँ यार, वो क्या कर रहा है यार, कब से यहाँ पे पड़ा हुआ है। अरे तू क्या कर रहा है, क्या देख रहा है तू वहाँ पे? कौन खड़ी, तेरी अम्मा खड़ी, अब्बा खड़े, कौन खड़े वहाँ पे? अरे माइकल भाई कोई खड़ा तो नहीं है वहाँ पे, बस मैं यहाँ पे जो कीड़े लगे हैं ना उसको निकाल रहा हूँ। वो कीड़े निकल गए एक बार तो क्या, बकरे बकरे आएंगे तो अपने। हाँ हाँ चल चल, अभी ओवर एक्टिंग कम कर और काम कर। हाँ हाँ माइकल भाई तो एक काम कर, वो घास की जो पोड़ी है ना उसको अंदर चढ़ा दे, समझा ना? हाँ हाँ माइकल भाई जैसे आप बोले वैसा करता हूँ मैं। चल जिमी गाड़ी में बैठ, चल फटाफट चलते अपन मंडी में। और ये बार की मंडी थोड़ी टाइट है जिमी यार, चल जल्दी जल्दी आ यार जिमी, गाड़ी में बढ़िया फटाफट। अबे साला कितना खुश है, कितना खुश है, पीछे बैठ के चलेगा तो पीछे बैठ के चलेगा। हाँ डैडी मैं तो बहुत खुश हूँ, जाते जाते मैं सबको बता दूंगा कि मैं बकरा लेने जा रहा हूँ, बाद में फिर धूप ज्यादा रही तो मैं अंदर आ जाऊंगा। चल ठीक है डैडी, जरा एक मिनट साइड में लेना। लिया बेटा क्या हुआ? ए सोनिया सुनना, बकरे लेने जा रहा हूँ मैं। ए सोनिया मैं बकरे लेने जा रहा हूँ, तू भाग क्यों रही है, दीवानी हो गई है क्या? जिमी क्या हरकत है बेटा तेरी ये? अरे आप डैडी छोड़ो यार, ये सब मोहल्ले की लड़कियाँ, ये सब बस टिकटॉक देखती है और टिकटॉक बनाते घूमती रहती है, आप उनका टेंशन मत लो। ये देखो ये दीवाना जा रहा है, इधर भी साइड बनो। ए राहुल क्या कर रहा है इसके साथ में, बकरे लेने जा रहा हूँ बकरे लेने। ए जिमी यार तू मुझे, जिमी मैं तेरा डैड हूँ, तेरे साथ में बैठा हूँ, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है? अरे डैडी इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, चलो फटाफट चलो। ओके ठीक है जिमी एक काम कर बेटा, तू एक मिनट में साइड में लगाता हूँ। शाम सिगरेट पी रहा है, तेरे मम्मी को बताओ क्या? अरे जिमी यार मेरे को सही में तेरे को नीचे उतारना पड़ेगा, एक काम कर तू आगे आके बैठ, तू आगे आके बैठ। ठीक है डैडी मैं आता हूँ। A few moments later. So finally, जिमी हम लोग पहुंच गए मंडी में। और ये मंडी आजकल जो पूरी चला रहा है वो अब्दुल भाई चला रहा है, तो अब्दुल भाई से अपनी थोड़ी बहुत जान पहचान है तो उससे बात करते हैं। आप लोग देख सकते हैं जिमी तो यहाँ पे सब मवेशी भी पाल के रखा है इसने, दूध वूध का भी धंधा करता है ये और काफ़ी बड़ा बिजनेसमैन है। और घोड़े भी लेके आया यार इसने तो, बाप रे। मैं गाड़ी यहाँ पे खड़ा है एक सामने। और अब्दुल भाई क्या हाल है? अरे माइकल भाई तुम आ गए, क्या बात है यार, क्या बात है, गरीब खाने में तुम आए हो। अरे गरीब खाने में माइकल भाई तुम आए हो, क्या बात है यार, तुम्हारी मेरी शर्ट एक जैसी लग रही है। हाँ अब्दुल भाई क्या बात है, चलो यार एक जैसी शर्ट पहने तो क्या कुछ डिस्काउंट तो मिल जाएगा। अरे माइकल भाई पूरा फार्म ही आपका है ना यार, जो चाहिए लेके जाओ ना, तो टेंशन काहे को लेते तुम। यार अब्दुल यार तूने फार्म तो बहुत जबरदस्त बना दिया यार, घोड़े वगैरह भी लेके। अरे माइकल भाई तुम तो आते ही नहीं हो, खाली ईद के टाइम पे आते हो, फिर उसके बाद तो गायब ही हो जाते हो, ये लड़का कौन है अब्दुल भाई? ये लड़का तो यार तुम्हारा
भतीजा है। अरे 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 जिमी बेटा, तू इतना बड़ा हो गया। अरे अंकल, पहले सीधे खड़े रहो, फिर देखो मेरे को, जोर से हवा आएगी तो उतर जाओगे आप। नीचे उतरो, नीचे उतरो। माइकल, तेरा बेटा तो सही में बड़ा हो गया यार। चलो चलो माइकल भाई, तुम आए हो यार, तुमको फार्म दिखा देता हूँ मैं, आ जाओ मेरे साथ में। आ जा जिमी बेटा, तू भी आ जा। अरे डैडी, इनका पूरा टाइम लगी में रहते हैं क्या? बेटा छोड़ना वो सब बात यार, तू इनका फार्म देख पहले। अरे माइकल भाई, पहले तुम इधर आओ यार। तुमको मैं ना माइकल भाई एकदम जबरदस्त दिखाता हूँ यार, अपन ने घोड़े वोड़े भी चालू किए अभी बेचना। यार तुम माइकल भाई मुझे फ़ोन करके आते ना, तो मैं तुमको बोलता यार, आज मत आओ। आज क्या सुबह सुबह अपन ने थोड़ी ले ली थी, तो थोड़ा इधर उधर हो रहा हो। बाकी ये घोड़े देखो यार, एकदम एक नंबर घोड़े है भाई। ये सब घोड़े जो है भाई, ये पंजाब से मंगाया हूँ मैंने। घोड़े की नस्ल देखो। अरे अरे जिमी बेटा, तूने तो घोड़े को गिरा दिया। अरे अरे अरे, दूसरा भी गिर गया। देखे कितने एक्टिव है, देखो घोड़े गिरने के बाद भी खड़े हो गए। अरे अंकल, लगता है सुबह सुबह घोड़े लोग ने भी ले लिए, वो भी आपके ऐसे झूम रहे। आजा आजा माइकल, यहाँ पे आजा, देखो मैं और दिखाता हूँ। ये देख, ये मैंने एक ट्रक भी ले लिए, एक नहीं मेरे पास 3-4 ट्रक है, तुझे मैं दिखाता हूँ। चल फटाफट आ जा, यहाँ से जल्दी जल्दी आ जा। चलो 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 चलो, ओके तो चला आ जाते। पहले माइकल मैं दिखाता हूँ यार, ये मंडी है अपनी, ये मैंने आज सुबह में मंगाए बकरे। ये बकरे देखते हो कैसे लग रहे, बता मेरे को। जिमी बेटा देख, ये बकरे देख, समझ में आ रहा है कुछ तेरे को? डैडी ये तो सब मुझे यार, बकरे तो जबरदस्त लग रहे डैडी मुझे, आपका क्या बोलना है? और भी है, टेंशन मत ले, आगे आ जा। अरे माइकल भाई, तुम इतना टेंशन मत लो यार, तुम्हारे लिए एक से एक माल रखा हूँ मैंने। आ जाओ इधर आ जाओ, तुमको दूसरा माल दिखाता हूँ मैं, तुम टेंशन मत लो एकदम। ये दूसरा माल देखो भाई, ये सब खस्सी बकरे अपने, ये देखो, ये सब खस्सी है भाई, एकदम अल्लाह मियाँ की गाय बोलते हैं ना, ये वैसे बकरे। तुम कुछ भी करो इसको, ये जरा भी हैरान नहीं करते। भाई देखो, ये गिरते भी और उठते भी है, इनका जरा भी टेंशन नहीं है। अब भी उठेगा देखो, ये थोड़ा भी कुछ करे तो ये खस्सी बकरे लोग का ऐसे ही रहता है, तुमको तो पता है ना। ये देखो, ये थोड़ा भी कुछ किए तो ये गिर जाते हैं। बाकी जानवर भाई एक नंबर है ये, सस्ते में जोड़ी लगा था तुमको चाहिए तो। क्या बोला जिमी, लेने का क्या, ये खस्सी बकरे लेने का तेरे को? नहीं डैडी, अपन बोकुड़ वाले लोग हैं, ये अपने वो खस्सी बकरे चिपका रहा, अपने वो खस्सी बकरे नहीं चाहिए। तो तुम लोग इधर आ जाओ, इधर तुमको दिखा था मैं, ये एकदम बोकुड़ काले, एकदम काले घाट बोकुड़, एकदम कड़क वाले बोकुड़ जिसको बोलते ना, ये वो बोकुड़ है। ये बोकुड़ मैं तुमको एकदम सस्ते में देता, बोलो। अरे अंकल, कुछ और भी तो दिखाओ मेरे को। आ जा फिर इधर से आ जा, देखो मैं और एकदम एक नंबर माल देता। आ जा माइकल, ये देखो, ये अपना जो है, ये फार्मिंग का बिजनेस जो है अपना, वो भी धूम से चलता। ये सब गाय वगैरह जो है ना, ये अपन लेके आते हैं यहाँ पे, दूध वगैरह निकालते, एकदम धमाल चलता ये फार्मिंग का बिजनेस मेरा, कोई टेंशन की बात नहीं है, मस्त में दूध निकलता रोज के रोज, और अपना दूध दूध पी के भी अपन एकदम फर्स्ट क्लास रहते हैं, समझा? अरे अंकल, लगता है आपने सुबह में सबको दे दिया है, सब इधर उधर गिर रहे थे। अरे नहीं बेटा, वो नए बंदे लोग को देख के गाय है थोड़े डर जाते, तो थोड़ा अजीब भी दिखता ना, तो थोड़ा सा ये डरते रहे बाबा, बाबा सब डरते, जानवर लोग ना जानवर को देख के डरते। अरे अंकल, मेरे को जानवर तो मत बोलो। हाँ हाँ ठीक है चला, आ जा मेरे साथ में, आ जा आ जा, साइड से आ, साइड से नीचे, गोबर गोबर में पैर नहीं रखने, गोबर में पैर मत रख, दीवाने गोबर में पैर मत रख, साइड से आ। ये देख, ये अभी माल उतरा अपना, ये मैंने चारा वगैरह लेके आए थे गाड़ी के साथ में। अरे यार मैं क्या बोल रहा है, ये माइकल लेते को बकरे के साथ में चारा वगैरह चाहिए तो ये लेके जा। अरे मेरे भाई, पहले तो बकरे तो दिखा मेरे को, बकरे समझ में आएंगे तो मैं चारा भी लेता ना तेरे से मेरी जान। हाँ चल तू इधर आ, देखो मैं एकदम एक नंबर बकरा दिखा था, आ जा मेरे साथ में, आ जा। ये दीवाने लोग की हुक्का पार्टी चली है, देख ये लोग जो है ना, ये लोग खाली गप्पे मारते हैं यहाँ पे, हुक्का पीते, बोरिंग का पानी लेके इधर ही नहाते धोते, सब इधर ही करते हैं लोग। हाँ देखो ये दीवाने को देखो, अरे बाप रे इधर इसको क्या हो गया, अरे बाबा इधर आ जा रे, इधर आ, क्या हो गया रे बाबा, क्या हो गया बता मेरे को, क्या हो गया, अरे क्या हो गया रे बाबा, क्या हो गया,
अरे अब्दुल भाई क्या बताओ यार, ये बकरी तो यार एकदम अल्लापुर निकल ली रे बाबा। मेरे को तो बहुत टेंशन हो गया, उसकी साजिश नहीं चल रही, दबा दबा के सीना दबा दबा के मेरी जान निकल गई, पर बकरी तो लगता अल्लापुर हो गई। अब इसको काट के भी मतलब नहीं होगा रे। बराबर बात बोला रे तू, इसको काट के भी मतलब नहीं होगा। अब एक काम कर, खड्डा खोद के इसको गाड़ दे। अरे अब्दुल भाई सच में बहुत नुकसान हो गया यार, ये बकरी को मालूम है मैं कल 25,000 रुपया लगा था, मैंने इसको दिया नहीं। अभी क्या दबा दबा के करता रे बाबा तू, अभी कुछ नहीं निकलता उसमें से, बकरी मर गई, उसको छोड़ दे, छोड़ चल जान दे, मरी तो मरी, अभी क्या करता। चल तुम लोग इधर आओ रे बाबा, जान दो उसको, उसको ध्यान मत दो, इधर आओ। अरे अब्दुल मेरे भाई, तुम्हें को बकरा दिखाता क्या नहीं यार, सच में यार। अरे बस पानी पीता मैं मटके में से, और तेरे को एकदम रापचिक वाला बकरा दिखाता मैं, तू टेंशन काहे को लेता। इधर आ माइकल, पानी पीन दे मेरे को, इधर चल, आजा। ये बकरे देख, ये बकरे जो है ना, ये एकदम गावटी बकुड़े, वो भी नस्ल के गावटी, बरबरी बोलते है इसको। इसका डिमांड बोले ना तो इसकी आंखें देख, एकदम गुलाबी आंखें है इसकी। ए राजू दो बकरे बाहर निकाल, देख माइकल इनकी आंखें देख, एकदम आंखें इनकी देख, एकदम गुलाबी दिखती क्या नहीं तेरे को। हाँ यार माइक अब्दुल, बात तो तू सही बोल रहा है, बकरे भी दोनों अच्छे हैं यार, मस्त लग रहे हैं मेरे को। तो क्या बोलता माइकल, लेता क्या दोनों बकरे तू, और ये बकरे घर के पाले हुए बकरे, ये तू जिधर जाता हो तेरे पीछे पीछे आते। अब्दुल तुमने लगता है ज्यादा पी लिया है। अरे नहीं रे माइकल, मैं सच्ची बोलता, ये तू जिधर जाता ना ये बकरे तेरे पीछे आएंगे, देखो यकीन नहीं आता, देखो अब इस दिखाता मैं, रुक। ये बकरे बोलेंगे ना माइकल तो अपनी जान है, ये देख ये मेरे पीछे पीछे आएंगे, देख तू खाली देखते जा, मैं जिधर जाएंगा उधर ये बकरे आएंगे, देख आंधे, ये देख अपने पीछे पीछे आते, ये बकरे को बोले ना तो आदमी ये बकरे की जान, बोल क्या बोलता। अरे डैडी मेरे को तो ऐसे ही बकरे चाहिए। अब माइकल बोल क्या बोलता। सो गाइस आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि मुझे ये बकरे खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए, और खरीदने चाहिए तो क्या रेट पे खरीदने चाहिए, और आप लोग को ये फार्म कैसा लगा, और मुझे घोड़े वगैरह कुछ खरीद के लेके जाना चाहिए कि नहीं लेके जाना चाहिए। सो गाइस बकरे में अगर आप लोग कमेंट्स अच्छे आए और लाइक और शेयर अच्छे आए वीडियो पे, तो वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा जहाँ पे मैं अपने बकरों को घर ले जाऊँगा। तो भाई उसके लिए आप लोग को लाइक करना पड़ेगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर चैनल पर नए हो तो, और कमेंट करके मुझे बताना होगा कि आप लोग को ये बकरे कितने तक चाहिए। सो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, बाय बाय। और भी टेंशन मत ले, आ गया जा।